बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्ट्रेस मदीना व्लॉग। दोस्तों आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज मुझे जो है मक्कतुल मुकर्रमा में दूसरा दिन है, तो अभी मैं जा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आगे जो है गाड़ी मिल जाए तो यार जो मक्का की ज्यारतें हैं वो आप लोगों को मैं करवा सकूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत माहौल है हुजाज कराम का। और ये जो है बाहर कबूतर बैठे हुए हैं, दाना खा रहे हैं। अभी जो है मैं हूँ हरम वाली साइड पे, जो कि अभी जो है बन रहा है। तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह जाता हूँ, कोशिश करता हूँ अंदर जाऊँ और आप सब लोगों को पहले जो है खाना काबा की जो है ज़्यारत करवाऊँ और उसके बाद चलेंगे गाड़ी की तरफ, देखेंगे गाड़ी। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं आ गया हूँ दोबारा से मस्जिद हराम के अंदर और मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को खाना काबा की ज़्यारत करवाते हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए दुआ करते हैं और उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, काबा की तरफ, और आप लोगों को खाना काबा की ज़्यारत करवाते हैं। और नीचे तो नहीं जाने दिया क्योंकि नीचे का जो रास्ता है वो उन्होंने बंद किया हुआ है, तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ऊपर से दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाए। और ये मेरे साथ भाई फवाद अहमद है, जो कि यहीं पर मुझे मिले हैं और बोल रहे हैं मेरे साथ भी वीडियो बनाओ, तो नो प्रॉब्लम, बना लेते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, कल मैं जो है रात के टाइम जो आया था यहाँ पर, मगरिब के बाद यहाँ पर पहुँचा था और मैंने उमरा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो है मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे जो है आप लोगों को इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। अभी जो है हुजाज कराम जो है यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो नमाज का जो है वेट कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो है मैं जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से माशाल्लाह खाना काबा। ये दोस्तों माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये जो है सामने खाना काबा है, यहाँ पर जो है ये बैरल लगाए हुए हैं जिसकी वजह से हमें जो है आगे नहीं जाने दे रहे और काम चल रहा है यहाँ पर, तो तवाफ जो है वो जारी है। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो है नीचे तवाफ चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जो है मौका दिया है यहाँ पर आने का। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की हर परेशानी दूर करे और मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सबकी परेशानी जो है दूर करे और अल्लाह ताला हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी दोस्तों अभी जो है मैं इंशाल्लाह हरम से निकल रहा हूँ और उससे पहले जो है यहाँ से जमजम का पानी जो है वो पीते हैं। और
जी दोस्तों, अभी जो है मैं जा रहा हूँ 3 नंबर टॉयलेट्स की साइड पर, तो वहाँ से जाके इंशाल्लाह देखते हैं वो, क्योंकि वो जो है घर शोर और घर हीरा से नज़दीक हो जाती है, वहाँ पर हमें गाड़ी मिलेगी। जी दोस्तों, मैं अभी जो है गाड़ी में बैठ गया हूँ और जा रहा हूँ इंशाल्लाह घर शोर की तरफ, और वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कम्प्लीट वहाँ की जो ज़ियारत है वो करवाऊँगा। तो जी दोस्तों, अभी जो है मैं आ गया हूँ यहाँ पर जो है घर शोर के पास, तो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ ऊपर आप लोगों को ज़ियारत करवाने के लिए। तो जी दोस्तों, ये जो है ये है जबल शोर की पहाड़ी और हमने जाना है वहाँ पर ऊपर। तो जी दोस्तों, ये जो है रास्ता आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इस रास्ते से यहाँ पर पत्थर जो है पड़े हैं बड़े बड़े, और यहाँ से हमने जाना है ऊपर की तरफ। तो जी दोस्तों, माशाल्लाह अभी मौसम भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है और हम लोग जो है जा रहे हैं ऊपर, और आप दुआ कीजिए कि जो है बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आ जाए। तो जी दोस्तों, अभी जो है मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, यहाँ से आप लोग देखिए नीचे वो जो है सामने हाजी जा रहे हैं, और जो आपको सामने खेमा सा नज़र आ रहा है उस खेमे वाली जगह से जो है हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई है, जो ये अंकल है यहाँ पर ये लीमू पानी बना रहे हैं, और यहाँ से हम लोग जो है लीमू पानी पियेंगे और उसके बाद ऊपर के लिए जाएंगे। जी दोस्तों, ये जो है लीमू पानी हमने बनवा लिया है, और जी दोस्तों हमने जो है नींबू पानी पी लिया है और जा रहे हैं ऊपर की तरफ, रवाना है। तो यहाँ पर जो है एक दो मिनट बैठ गए हैं तो थोड़ा सुकून मिल गया है, अभी जा रहे हैं ऊपर इंशाल्लाह। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर रास्ते बनाए हुए हैं, ये जो है एक किस्म की पौड़ी बनाई हुई है इन्होंने खुद, यहाँ पर जो काम करते हैं कश्मीरी वगैरह है। जी दोस्तों, अभी जो है मैं आ गया हूँ ऊपर थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक कैंटीन है, यहाँ से लिया है पानी, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। दोस्तों हमने जो है वहाँ पर ऊपर जाना है इस जगह पर। तो जी दोस्तों, ये देखिए कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ और अभी जो है आगे जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और दोस्तों आज तो नहीं, मैं जो है जबल रहमत की और जबल नूर की जो है वीडियो बना सकता, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मक्का मुकरमा में आएंगे तो तब इंशाल्लाह उन दो जबलों के भी ज़ियारत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह मैं। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है मैं ऊपर गारे सोर के पास पहुंच गया हूं, तो अभी जो है यहां पर जो है नफल अता करेंगे और आप लोगों को जो है पूरी वीडियो इंशाल्लाह दिखाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है सही से जो है समझ आ सके, जो लोग ऊपर नहीं आ सकते वो वीडियो देख कर भी ज़ियारत कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। दोस्तों माशाल्लाह ऊपर हवा जो है वो ठंडी हवा चली हुई है, यहाँ से मैं आप लोगों को जो है नीचे का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पर नीचे का व्यू है। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनली जो है गारे शोर पर जो है पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर जो गारे हैं, दो गारे हैं, और उन दो गारों में से एक जो गार है जहाँ पर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ़ लाए थे अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हिजरत के टाइम में, जब आप अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जाने लगे थे। तो उससे पहले जो है यहाँ पर आए थे। तो पहले मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़ियारत करवाता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को इसकी तमाम हिस्ट्री जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जी दोस्तों, उससे पहले हम लोग जो है जोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ज़ियारत करवाता हूँ। बिछाए गए हैं यहाँ पर, जाए नमाज बिछाई गई है नमाज पढ़ने के लिए। तो हम लोग जो है पहले नमाज अदा करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जो है ज़ियारत करवाता हूँ। जी दोस्तों, ये जो है ये एक जो है ये गार है, गार जिसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना के लिए यहाँ से हिजरत करके जाने लगे थे, तो सबसे पहले जो है वो इस जगह पर आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर गुजारे थे। ठीक है, 3 दिन गुजारे थे, और अल्लाह ताला ने जो है कबूतर, 2 कबूतरियाँ थी जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजे, और उन्होंने अपना घोंसला बना के और उसमें जो है अंडे दे दिए थे, और उसके बाद मकड़ी जो है मकड़ी ने जाला बना दिया था, ताकि जो है जो यहूदी थे आप इस्लाम को गिरफ्तार करने की गर्ज से आए थे वो उनको ना दे सके। तो अभी जो है अंदर से आपको दिखाते हैं, यहाँ से जो है बाहर आने का रास्ता है, यानी कि उधर से जाके बाहर आएंगे। तो अभी हम 1 मिनट यहाँ पर जो है 2 गारे हैं, जो कि कहा जाता है कि इनमें से एक गार जो है वो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और एक जो है ये है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो है नीचे उतर के जाना पड़ता है यहाँ पर, और वहां पर बैठकर जो है नफल अदा करते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो है ये गार है जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जो है यहाँ पर तशरीफ लाए थे, और उन्होंने 3 दिन जो है यहाँ पर क्याम किया था, और यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर ये जाय नमाज रखी हुई है जो है नफल अदा करने के लिए। तो हमने जो है नफल पहले पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से जो है दूसरी साइड से जो है अगर कोई आता है तो उधर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ से जो सामने आएगा तो यहाँ से जो है नजर आ सकता है अंदर बैठा हुआ जो भी है। तो जी दोस्तों, ये जो है ये दूसरी कार है, और वो है तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर नीचे भी जाय नमाज बिछाई हुई है, और ये बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके साथ भाई हैं,
और यहाँ पर जाय नमाज बिछाई हुई है नफल अदा करने के लिए, बंद कर दो जी। दोस्तों अभी जो है हम लोग जो है ये भाई हैं, आपका नाम क्या भाई? इरफान भाई। तो इरफान भाई से जो है हम एक शेर जो है भाई हैं, और ये बाबा जी हैं और इनका नाम जो है इरफान भाई है। तो अभी जो है हमें इंशाल्लाह ये एक छोटी सी नात सुनाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है इंशाल्लाह वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे। तो जी भाई जी बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या आप जाइए उनके साथ हबीबल्लाह। मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं या अल्लाह, बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं। मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। सुना है मदीना करम ही करम है, सुना है मदीना करम ही करम है। तू रखता जहां में सभी का बरम है, तू रखता जहां में सभी का भरम है। तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का या अल्लाह, तुझे वास्ता तेरे प्यारे नबी का। मेरी अब तो बिगड़ी बना मेरे मौला, मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। जिसे तूने चाहा मैं उस पे फिदा हूँ, जिसे तूने चाहा मैं उस पे फिदा हूँ। मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ, मैं तेरे मोहम्मद के दर का गदा हूँ। तुझे वास्ता करबला की जमीन का या अल्लाह, तुझे वास्ता कर बला की जमीन का। मुझे हर बला से बचा मेरे मौला, मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बोला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नात पढ़ी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ी है। तो आज की वीडियो का इसी के साथ एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी जो आज की वीडियो है
अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी से मिल सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।